गुड मॉर्निंग एवरीवन, अवर स्कूल इज स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड आई विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टुडे आई विल टीच यू लेसन सेकंड द पावर ऑफ डिटरमिनेशन। सो पेज नंबर 5 वर्क बुक। यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेज इन योर ओन वर्ड। डिवास्केट लिम्स मोटर एबिलिटी स्टिक बाय स्टिक एंड इन सॉल्यूशन। ये आपका है होमवर्क, क्योंकि अपन ने जो अपन टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं उसमें अपन ने सेंटेंस आने फिलअप पढ़े थे, तो आपको ये फिलअप करना है। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द फॉर्म। मेड अप, सरप्राइज, रिसोल्यूट, क्रिपल और पावर, तो ये आपका आपको फिलअप करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। इट वॉज ओनली द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन दैट द बॉय सर्वाइव इवन आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। द डॉक्टर हैड डिक्लेयर दैट ही वुड बी लाइफ टाइम क्रिपल, बट ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। His resolute determination helped him overcome the terrible effect. To the doctor's surprise, the boy developed the ability to stand up. मतलब कि उसका खुद का determination था जिसके कारण उसका इतना बड़ा accident हो गया था, तब भी जाके क्या हुआ था, वो एक दिन डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये तो survive नहीं कर सकता, ये lifetime क्या हो जाएगा, क्रिपल बन के रहेगा। बट उसने अपना मेडअप माइंड को मेडअप किया कि मैं ऐसा नहीं, मैं ट्रिपल बन के नहीं रहूंगा, और एक दिन वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बना। तो अब अपन इसका देखते हैं पैसेज। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज रिकॉग्नाइज दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया कंप्लीटली इज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो विच कॉज इट। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम, किसी भी चीज का अपन को इलाज करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी होती है, उस चीज की रोकथाम करना। जैसे कि अपन देखें तो अभी सीजन ही चल रहा है मलेरिया डेंगू का, तो वो सारी चीजें किसके कारण होती है, मच्छरों के कारण। तो उन्होंने वही कहा है किसी भी चीज का अगर हमें इलाज ढूंढना है तो सबसे पहले हमें उनकी चीजों की रोकथाम ढूंढनी पड़ेगी। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, मच्छरों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मलेरिया से छुटकारा पाना है तो हमें मलेरिया किन कारणों से होता है उन चीजों के बारे में पता करना पड़ेगा। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम एंड मर्सी लैंड, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो हमेशा ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर नमी हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो या कीचड़ हो, ऐसे स्थानों पर मलेरिया फैलता है। This is not because the land is damp. ये केवल उन कारणों से नहीं होता है कि चीजें नमी है वहाँ पर, कीचड़ मचा हुआ है, but because the stagnant water in the breeding place of the mosquito. ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पर जो मलेरिया का लार्वा होता है, यानी कि मॉस्किटो का एक लार्वा होता है जो क्या हो जाता है, फैलता रहता है। Which begins its life as a larva living in the water. और वो क्या करते हैं, जो मच्छर होते हैं वो अपना लार्वा पानी में छोड़ देते हैं जिसके कारण मलेरिया फैल जाता है। मलेरिया does not frequently occur in the water. मलेरिया does not frequently occur in the dry desert country because mosquito cannot breed there. यानी कि ऐसे तो मलेरिया जो साफ पानी होता है उसमें भी नहीं होता है, उसके अलावा डेजर्ट यानी कि सूखे जो देश होते हैं अपन इस हिसाब से रेगिस्तान कह सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये मच्छर गीला गीला और एटमॉस्फेयर वहाँ होता नहीं है, इसीलिए वहाँ मलेरिया होता नहीं है क्योंकि मच्छर वहाँ पर पनपते नहीं है। The only way to destroy mosquito is to prevent their breeding in stagnant water. अगर हमें मलेरिया को रोकना है तो सबसे पहले जो इकट्ठा पानी है हमें उसको रोकना पड़ेगा। पानी को इकट्ठा होने से रोकेंगे तो मॉस्किटो यानी कि मच्छर अपने आप ही वहाँ रुक जाएंगे। This can be done by draining all ponds and pools. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी तालाब वगैरह हो, पूल्स हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा है, वहाँ से हमें पानी को अलग करना पड़ेगा जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। And by keeping them covered in the breeding season with the thin layer of kerosene oil, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं और उनमें kerosene oil डाल सकते हैं। Which by depriving the larva of air kills them. उसके कारण क्या हो जाएगा, जो लार्वा पानी में है वो हट जाएगा। कुल मिलाकर इसमें बताया गया है कि जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है, मॉस्किटो यानी मच्छरों के कारण। उसके अलावा जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ है, दलदल है, वहाँ पर एक मॉस्किटो क्या करते हैं, अपना लार्वा छोड़ देते हैं और जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया फैल जाता है और बहुत सारे लोग मलेरिया से आकर मर भी जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है इस सीजन में, अपन को क्या करना है, उस पानी को दूर करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इन व्हाट प्लेस डज मलेरिया ऑक्यूर मोस्ट, यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मलेरिया होता है। तो मलेरिया ऑक्यूर मोस्ट
where the land is dumb and mercy, जो अभी अपन ने पढ़ रखा है. Second question is how does a mosquito begin its life and where, यानी कि mosquito अपनी life कहाँ पर start करते हैं और कैसे करते हैं. तो mosquitoes begins its life as a larva living in water, यानी कि as a larva अपनी वो life begin करती हैं, start करती हैं और कहाँ पर, पानी में. In what place does not malaria occur and why? यानी कि मलेरिया किन किन जगह पर नहीं होता, तो अभी अपन ने पढ़ा था मलेरिया does not occur in dry desert countries because mosquito cannot breed them there. यानी कि वहाँ पर क्या करते हैं, मॉस्किटो अपनी प्रजाति को नहीं बढ़ा सकती है. Explain prevention is better than cure. तो prevention is better than cure. It means when we sell recognize the cause of malaria so that we can prevent or get rid of malaria. यानी कि जब पहले हमें उसके cause कारण को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद हम मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं. Last question is write a suitable title of the passage. तो अपन को पहले बताएं prevention is better than cure is the title of the passage. Complete the sentence. Malaria is always associated with damp and mercy land. यानी मलेरिया कहाँ होता है, जहाँ पर नम कीचड़ रहता है. We can prevent the breeding of larva in the stagnant water. यानी कि हम मलेरिया को कहाँ बढ़ने से रोक सकते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो. Give one word for the following passage. तो ये आपका होमवर्क है, बट अपन देख लेते हैं. An area which remains waterless इसको डैम. To produce young ones तो उसको बोलते हैं ब्रीड. ये सारे आपको है ना पैसेज में से ढूंढ के ही इसमें लिखने थे. इसके बाद इसकी ग्रामर जो है, जब ग्रामर करेंगे तब इसके साथ इसको फिलअप करेंगे. अब चलो अपन इसकी ग्रामर देखते हैं, पेज नंबर 8. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखे हैं आपको इनको पास्ट फॉर्म में बदलना है. तो अगर अपन देखें कि बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर होती है. वहीं प्रेजेंट में बात करें तो इसमें एच एम आर आती है. तो यहाँ पर अपन को पास्ट फॉर्म भरनी है. तो मोहन ब्लैंक एब्सेंट यस्टरडे. तो बी का फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट वॉज हो जाएगा. क्योंकि जो सिंगुलर पर्सन होते हैं ही सी इट नेम और आई के साथ अपन किसका यूज करते हैं, वॉच का. वही देखें यू वी दे के साथ अपन करेंगे बर का. तो मोहन क्या है, सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए उसके साथ अपन वॉच फिल करेंगे. तो मोहन वॉच एब्सेंट यस्टरडे. सेकेंड इज माई फ्रेंड्स ब्लैंक हैप्पी टू सी मी एट द स्कूल लास्ट वीक. अब इसमें भी उसमें क्या बोलते हैं कोष्टक में क्या है, बी लिखा हुआ है, इसलिए बी की फॉर्म हो जाएगी वॉज ओवर. अब माई फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए आएगा बर. माई फ्रेंड्स बर हैप्पी टू सी मी एट द स्कूल लास्ट वीक. थर्ड इज सचिन हिट द बॉल बट द फील्डर ब्लैंक इट. तो कैच है तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैच. लास्ट इज आई ब्लैंक माई टीचर सम क्वेश्चन. आस्क का पास्ट फॉर्म क्या होगा, आस्क. तो आई आस्क माई टीचर सम क्वेश्चन. ओके, अब पेज नंबर 9. नाउ पुट दिस वर्ड इन अ सिंपल पास्ट फॉर्म एंड कंप्लीट द सेंटेंस. अब आपको ये दिया है कैच, फॉल, हर्ट, सेल, स्पेंड, विद. तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंस में उनको फिल करना है. तो फर्स्ट इज माई कार वॉज ओल्ड सो आई ब्लैंक इट. तो सेल होगा मेरी कार पुरानी थी इसलिए मैंने उसको बेच दिया, तो आई सोल्ड इट. सेकेंड इज मोहन एंड राजू प्लेड बैडमिंटन. मोहन वॉन इजली. रजनी ब्लैंक डाउन द स्टेयर. यस्टरडे आई ब्लैंक हर लेग. तो रजनी फेल डाउन द स्टेयर, यानी रजनी सीढ़ियों से गिर गई. एंड यस्टरडे एंड हर्ट हर लेग, और उसके पैरों में चोट लग गई. दे स्पेंड नॉट स्पेंड. स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड. तो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे. लास्ट इज सचिन हिट द बॉल वेरी हाई बट सोहिब कैच्ड इट, यानी कि उसने उसको पकड़ लिया. इन सारी चीज़ों को अपन को सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में फिलअप करने का. अब जो अब आपको ये दिया है, नाउ राइट द सेंटेंस डिड यस्टरडे. द फर्स्ट इज डन. जो फर्स्ट हमने डन करके दिया है और आपको ये पहले फिलअप करना था, तो आपको ये सारा पास्ट में बताना है. जैसे ऊपर लिखा है आई यूजुअली गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. आई कम बैक एट 7 AM एंड हैव अ बाथ. माई मदर मेक्स टी फॉर मी. आई टेक टी एंड स्टार्ट माई बर्थ. तो ये तो सारा प्रेजेंट में दे रखा है. अब उन्होंने आपके लिए होमवर्क दिया है कि आपको ये पास्ट में करना है. तो सृष्टि गॉट अप एट 6 o'clock यस्टरडे, देन सी गॉट फ्रेश एंड वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक. She came back at 7 AM and had a bath. Her mother made her tea. She took tea and started her bath.
तो इस तरीके से ये लेसन हुआ अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक अब मतलब जो आपको रीड कराया है तब तक आप उसको रीड करिए। थैंक यू।